दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको मेरे द्वारा कही गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। लीजिए सुनते हैं कहानी। कहानी का नाम है अंतिम प्यार। लेखक का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर बैठे मित्रों के साथ मनोरंजन कर रहे थे। ठीक उसी समय योगेश बाबू ने कमरे में प्रवेश किया। योगेश बाबू अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने अभी थोड़े समय पूर्व ही स्कूल छोड़ा था। उन्हें देखकर एक व्यक्ति ने कहा, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है, आपने सुना कुछ? योगेश बाबू ने आराम कुर्सी पर बैठकर पहले तो एक लंबी सांस ली, पश्चात बोले, क्या कहता है? नरेंद्र कहता है, बंग प्रांत में उसकी कोटि का कोई भी चित्रकार इस समय नहीं है। ठीक है, अभी कल का छोकरा है ना, हम लोग तो जैसे आज तक यहाँ खास छिलते थे, झुंझलाकर योगेश बाबू ने कहा। जो लड़का बातें कर रहा था उसने कहा, केवल यही नहीं, नरेंद्र बाबू आपको सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखते। योगेश बाबू ने उपेक्षा के भाव से कहा, क्यों, क्या कोई अपराध हुआ है? वह कहता है, आप आदर्श का ध्यान रख के चित्र नहीं बनाते। तो किस दृष्टिकोण से बनाता हूँ? दृष्टिकोण रुपए के लिए। योगेश ने एक आंख बंद करके कहा, व्यर्थ। फिर आवेश में कान के पास से अपने अस्त व्यस्त बालों को ठीक कर बहुत देर तक मौन बैठा रहा। चीन का जो सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है उसके बाल भी बहुत बड़े थे। यही कारण था कि योगेश ने भी स्वभाव विरुद्ध सिर पर लंबे लंबे बाल रखे थे। ये बाल उनके मुख पर बिल्कुल नहीं भाते थे, क्योंकि बचपन में एक बार चेचक के आक्रमण से उनके प्राण तो बच गए थे, किंतु मुख बहुत कुरूप हो गया था। एक तो श्याम वर्ण, दूसरे चेचक के दाग। चेहरा देखकर सहसा यही जान पड़ता था मानो किसी ने बंदूक में छर्रे भरकर लिबलिबी दाब दी हो। कमरे में जो लड़के बैठे थे योगेश बाबू को क्रोधित देखकर उसके सामने ही मुख बंद करके हंस रहे थे। सहसा वह हंसी योगेश बाबू ने भी देख ली। क्रोधित स्वर में बोले, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? एक लड़के ने चाटुकारिता से जल्दी जल्दी कहा, नहीं महाशय, आपको क्रोध आए और हम हंसे, यह भला कभी संभव हो सकता है? मैं समझ गया, अब अधिक चातुर्य की आवश्यकता नहीं। क्या तुम लोग यह कहना चाहते हो कि अब तक तुम सब दांत निकाल कर रो रहे थे? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। लड़कों ने किसी प्रकार हंसी रोक कर कहा, चलिए यूं तो यूं ही सही, हम हंसते ही थे और रोते भी क्यों? पर हम नरेंद्र के पागलपन को सोचकर हंसते हैं। ओह, वो देखो, मास्टर साहब के साथ नरेंद्र भी आ रहा है। मास्टर साहब के साथ साथ नरेंद्र भी कमरे में आ गया। योगेश ने एक बार नरेंद्र की ओर वक्र दृष्टि से देखकर मनमोहन बाबू से कहा, महाशय, नरेंद्र मेरे विषय में क्या कहता है? मनमोहन बाबू जानते थे कि उन दोनों की गलती है। दो पाषाण जब परस्पर टकराते हैं तो अग्नि तो उत्पन्न होती ही है। अतः वह बात को संभालते हुए मुस्कुराते से बोले, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है? नरेंद्र कहता है कि मैं रुपए के दृष्टिकोण से चित्र बनाता हूँ, मेरा कोई आदर्श नहीं। मनमोहन बाबू ने पूछा, क्यों नरेंद्र? नरेंद्र जो अब तक मौन खड़ा था, आप किसी प्रकार आगे आकर बोला, हाँ कहता हूँ, मेरी यही सम्मति है। योगेश बाबू ने मुंह बनाकर कहा, आए बड़े सम्मति देने वाले, छोटे मुंह बड़ी बात, अभी कल का छोकरा और इतनी बड़ी बड़ी बातें। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू जाने दीजिए, नरेंद्र अभी बच्चा है और बात भी तो साधारण है, इस पर वाद विवाद की क्या आवश्यकता है? योगेश बाबू उसी तरह आवेश में बोले, बच्चा? नरेंद्र बच्चा है? जिसके मुंह पर इतनी बड़ी बड़ी मूछें हों, वह यदि बच्चा है तो बूढ़ा क्या होगा? मनमोहन बाबू बोले, आप क्या कहते हैं? एक विद्यार्थी ने कहा, महाशय, अभी जरा देर पहले तो आपने उसे कल का छोकरा बताया था।
योगेश बाबू का मुख क्रोध से लाल हो गया। बोले, कब कहा था? अभी इससे जरा देर पहले। झूठ, बिल्कुल झूठ। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं उसे छोकरा कहूँ, संभव है क्या? क्या तुम लोग यह कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ? सब लड़के एक स्वर में बोले, नहीं महाशय, ऐसी बात तो हम भूल कर भी अपनी जीभ में नहीं ला सकते। मनमोहन बाबू किसी प्रकार हंसी को रोकते हुए बोले, चुप चुप, गोलमाल ना करो। योगेश बाबू ने कहा, हाँ नरेंद्र, तुम यह कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारी टक्कर का कोई चित्रकार नहीं है। नरेंद्र ने कहा, आपने कैसे जाना? तुम्हारे मित्रों ने कहा। मैं यह नहीं कहता, तब भी इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी तरह हृदय रक्त पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता। इसका प्रमाण? नरेंद्र ने आवेश में स्वर में कहा, प्रमाण की क्या आवश्यकता है, मेरा अपना यही विचार है। तुम्हारा विचार असत्य है। नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मनमोहन बाबू ने इस अप्रिय वार्तालाप को बंद करने के लिए कहा, नरेंद्र, इस बार प्रदर्शन के लिए तुम चित्र बनाओगे ना? नरेंद्र ने कहा, विचार तो है, देखूंगा तुम्हारा चित्र कैसा बनता है। नरेंद्र ने श्रद्धा भाव से उनकी पग धूली को लेकर कहा, जिसके गुरु आप हैं उसे क्या चिंता, देखना सर्वोत्तम रहेगा। योगेश बाबू ने कहा, राम से पहले रामायण, पहले चित्र बनाओ फिर कहना। नरेंद्र ने मुंह फेर कर योगेश बाबू की ओर देखा, कहा कुछ भी नहीं, किंतु मौन भाव और अपेक्षा ने बातों से कई अधिक योगेश के हृदय को ठेस पहुंचाई। मनमोहन बाबू ने योगेश बाबू से कहा, चाहे आप कुछ भी कहें, मगर नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ति पर बहुत विश्वास है। मैं दृढ़ निष्ठे से कहता हूँ कि यह भविष्य में एक बड़ा चित्रकार होगा। नरेंद्र धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। एक विद्यार्थी ने कहा, प्रोफेसर साहब, नरेंद्र में किसी सीमा तक विक्षिप्तता की झलक दिखाई देती है। मनमोहन बाबू ने कहा, हाँ मैं भी मानता हूँ, जो व्यक्ति अपने घाव अच्छी तरह प्रकट करने में सफल हो जाता है उसे सर्वसाधारण किसी सीमा तक विक्षिप्त समझते हैं। चित्र में विशेष प्रकार का आकर्षण तथा मोहकता उत्पन्न करने की उसमें असाधारण योग्यता है। तुम्हें मालूम है नरेंद्र ने एक बार क्या किया था? मैंने देखा कि नरेंद्र के बाएं हाथ की उंगली से खून का फव्वारा छूट रहा था और वह बिना किसी कष्ट के बैठा चित्र बना रहा है। मैं तो उसे देखकर चकित रह गया। मेरे मालूम करने पर उसने उत्तर दिया कि उंगली काटकर देख रहा हूं कि खून का वास्तविक रंग क्या है। अजीब व्यक्ति है, तुम लोग इसे विक्षिप्तता कह सकते हो, किंतु इसी विक्षिप्तता के ही कारण वह एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा। योगेश बाबू आंख बंद करके सोचने लगे, जैसे गुरु वैसे चेले, दोनों ही पागल हैं। नरेंद्र सोचते सोचते मकान की ओर चला। मार्ग में भीड़ भाड़ थी, कितनी ही गाड़ियां चली जा रही थी, किंतु इन बातों की ओर उसका ध्यान ही नहीं था। उसे क्या चिंता थी, संभव इसका भी उसे पता ना था। इस थोड़े समय में वह इतना सुप्रसिद्ध और इतना सर्वप्रिय हो गया था कि उसके ईशालु मित्रों को अच्छा ना लगा। इन्हीं ईशालु मित्रों में योगेश बाबू भी थे। नरेंद्र में एक विशेष योग्यता थी और उसकी तुल्लिका में एक असाधारण शक्ति है। योगेश बाबू इसे दिल ही दिल में खूब समझते हैं, परंतु ऊपर से उससे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस थोड़े समय में ही उसका इतना प्रसिद्धि प्राप्त करने का एक विशेष कारण भी था। वह यह, नरेंद्र जिस चित्र को भी बनाता था अपनी सारी योग्यता उसमें लगा देता था। उसकी दृष्टि केवल चित्र पर रहती थी, पैसे की ओर भूल कर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। उसके हृदय की महत्वाकांक्षा थी कि चित्र बहुत ही सुंदर हो, उसमें अपने ढंग की विशेष विलक्षणता हो, मूल्य चाहे कम मिले या अधिक। वह अपने विचार और भावनाओं की मधुर रूप रेखाएं अपने चित्र में देखता था। जिस समय चित्रित करने बैठता था तो चारों ओर फैली हुई असीम प्रकृति और उसकी सारी रूप रेखाएं हृदय पट से गुम्फित कर देता था। इतना ही नहीं, वह अपने अस्तित्व से भी विस्मृत हो जाता था। वह उस समय पागलों की भांति दिखाई पड़ता था और अपने प्राण तक उत्सर्ग कर देने से भी उस समय संभव उसको संकोच ना होता।
यह दशा उस समय की एकाग्रता की होती थी। वास्तव में इसी कारण से उसे यह सम्मान प्राप्त हुआ था। उसके संभाव में सादगी थी। वह जो बात सादगी से कहता, लोग उसे अभिमान और प्रदर्शनी से लदी हुई समझते। उसके सामने कोई कुछ ना कहता, परंतु पीछे पीछे लोग उसकी बुराई करने से ना चूकते थे। सबके सब नरेंद्र को संज्ञाहीन सा ही पाते थे। वह किसी बात को कान लगाकर ना सुनता था। कोई पूछता कुछ था और वो उत्तर कुछ और देता था। वह सर्वदा ऐसा प्रतीत होता था जैसे अभी अभी स्वप्न देख रहा था और किसी ने सहसा उसे जगा दिया हो। उसने विवाह किया और एक लड़का भी उत्पन्न हुआ। पत्नी बहुत ही सुंदर थी, पर नरेंद्र को गृहस्थिक जीवन में किसी प्रकार का आकर्षण ना था। तब भी उसका हृदय प्रेम का अथाह सागर था। वह हर समय इसी धुन में रहता था कि चित्रकला में प्रसिद्धि प्राप्त करे। यही कारण था कि लोग उसे पागल समझते थे। किसी हल्की वस्तु को यदि पानी में जबरदस्ती डुबा दो तो वह किसी प्रकार भी ना डूबेगी, वरन ऊपर तैरती रहेगी। ठीक यही दशा उन लोगों की होती है जो अपनी धुन के पक्के होते हैं। वे सांसारिक दुख सुख में किसी प्रकार डूबना नहीं चाहते। उनका हृदय हर समय कार्य की पूर्ति में संलग्न रहता है। नरेंद्र सोचते सोचते अपने मकान के सामने आ खड़ा हुआ। उसने देखा कि द्वार के समीप उसका 4 साल का बच्चा मुंह में उंगली डाले किसी गहरी चिंता में खड़ा था। पिता को देखते ही बच्चा दौड़ता हुआ आया और दोनों हाथों से नरेंद्र को पकड़कर बोला, बाबूजी। क्यों बेटा, क्या हुआ? बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए कहा, बाबूजी देखो, हमने एक मेंढक मारा है जो लंगड़ा हो गया है। नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, तो मैं क्या करूं, तू बड़ा पाजी है। बच्चे ने कहा, वह घर नहीं जा सकता, लंगड़ा हो गया है ना, कैसे जाएगा? चलो उसे गोद में उठाकर घर पहुंचा दो। नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठा लिया और हंसते हंसते घर में ले गया। एक दिन नरेंद्र को ध्यान आया कि इस बार की प्रदर्शनी में जैसे भी हो अपना एक चित्र भेजना चाहिए। कमरे की दीवार पर उसके हाथ के कितने ही चित्र लगे हुए थे, कहीं प्रकृति के दृश्य, कहीं मनुष्य के शरीर की रूपरेखा, कहीं स्वर्ण की भांति सरसों के खेत की हरियाली, जंगल के मनमोहक दृश्यवली, और कहीं वे रास्ते जो छाया वाली वृक्षों के नीचे से टेढ़े तिरछे होकर नदी के पास जा मिलते थे। धुएं की भांति गगनचुंबी पहाड़ों की पंक्ति जो तेज धूप में स्वयं झुलसती जा रही थी और सैकड़ों पाथिक धूप से व्याकुल होकर छायादार वृक्षों के समूह में शरणार्थी थे, ऐसे कितने ही दृश्य थे। दूसरी ओर अनेकों वृक्षों के चित्र थे। उन सब के मनोभाव उनके मुखों से प्रकट होते थे। कोई गुस्से में भरा हुआ, कोई चिंता की अवस्था में, तो कोई प्रसन्न मुख। कमरे के उत्तरीय भाग में खिड़की के समीप एक अपूर्ण चित्र लगा था। उसमें ताड़ के वृक्षों के समूह के समीप सर्वदा मौन रहने वाली छाया के आश्रय में एक सुंदर नव युवती नदी के नील वर्ण जल में अचल बिजली सी मौन खड़ी थी। उसके होठों और मुख की रेखाओं में चित्रकार ने हृदय की पीड़ा अंकित की थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो चित्र बोलना चाहता है, किंतु यौवन अभी उसके शरीर में पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं हुआ है। इन सब चित्रों में चित्रकार के इतने दिनों की आशा और निराशा मिश्रित थी, परंतु आज उन चित्रों की रेखाओं और रंगों ने उसे अपनी ओर आकर्षित ना किया। उसके हृदय में बार बार यही विचार आने लगा कि इतने दिनों में उसने केवल बच्चों सा खेल खेला है, केवल कागज के टुकड़ों पर रंग पोता है। इतने दिनों से उसने जो भी कुछ रेखाएं कागज पर खींची हैं, वह सब उसके हृदय को अपनी ओर आकर्षित ना कर सकी, क्योंकि उसके विचार पहले की अपेक्षा बहुत उच्च थे। उच्च ही नहीं बल्कि उच्चतम होकर चील की भांति आकाश में मंडराना चाहते थे। यदि वर्षा ऋतु का सुहावना दिन हो तो क्या कोई शक्ति उसे रोक सकती है? वह उस समय आवेश में आकर उड़ने की उत्सुकता में असीमित दिशाओं में उड़ जाता, एक बार फिर कर भी नहीं देखता। अपनी पहली अवस्था पर वो किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं था। नरेंद्र के हृदय में रह रहकर यही विचार आने लगा। भावना और लालसा की झड़ी सी लग गई। उसने निश्चय कर लिया कि इस बार ऐसा चित्र बनाएगा जिससे उसका नाम अमर हो जाएगा। वह इस वास्तविकता को सबके दिलों में बिठा देना चाहता था
कि उसकी अनुभूति बचपन की अनुभूति नहीं है। मेज पर सिर रखकर नरेंद्र विचारों का ताना बाना बुनने लगा। वह क्या बनाएगा, किस विषय पर बनाएगा? हृदय पर आघात होने से साधारण प्रभाव पड़ता है। भावनाओं के कितने ही पूर्ण और अपूर्ण चित्र उसकी आंखों के सामने से सिनेमा चित्र की तरह चले गए, परंतु किसी ने भी दम भर के लिए उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित न किया। सोचते सोचते संध्या के अंधियारे में शंख की मधुर ध्वनि ने उसको मस्त कर देने वाला गाना सुनाया। इस स्वर लहरी से नरेंद्र चौंक कर उठ गया। पश्चात उसी अंधकार में वह चिंतन मुद्रा में कमरे के अंदर पागलों की भांति टहलने लगा। सब व्यर्थ, महान प्रयत्न करने के पश्चात भी कोई विचार ना सूझा। रात बहुत हो जा चुकी थी। अमावस्या की अंधेरी में आकाश परलोक की भांति धुंधला प्रतीत होता था। नरेंद्र कुछ खोया खोया सा पागलों की भांति उसी ओर तकता रहा। बाहर से रसोइये ने द्वार खटखटाकर कहा, बाबूजी। चौंक कर नरेंद्र ने पूछा, कौन है? बाबूजी, भोजन तैयार है, चलिए। झुंझलाते हुए नरेंद्र ने कटु स्वर में कहा, मुझे तंग ना करो, जाओ, मैं इस समय ना खाऊंगा। कुछ थोड़ा सा, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। और निराश मन रसोया भारी कदमों से वापस लौट गया और नरेंद्र ने अपने को चिंतन सागर में डुबा दिया। दुनिया में जिसको ख्याति प्राप्त करने का व्यसन लग गया हो उसको चैन कहा। एक सप्ताह बीत गया। इस सप्ताह में नरेंद्र ने घर से बाहर कदम भी ना निकाला था। घर में बैठा सोचता रहता, किसी न किसी मंत्र से तो साधना की देवी अपनी कला दिखाएगी। इससे पूर्व किसी चित्र के लिए उसे विचार प्राप्ति में देर ना लगती थी, परंतु इस बार किसी तरह भी उसे कोई बात ना सोचती थी। ज्यो-ज्यो दिन व्यतीत होते जाते वह निराश होता जाता। केवल यही नहीं, कई बार तो उसने झुंझलाकर सिर के बाल नोच लिए थे। वह अपने आप को गालियां देता, पृथ्वी पर पेट के बल पड़कर बच्चों की तरह रोया भी, परंतु सब व्यर्थ। प्रातःकाल नरेंद्र मौन बैठा था कि मनमोहन बाबू के द्वारपाल ने आकर उसे एक पत्र दिया। उसने उसे खोलकर देखा। प्रोफेसर साहब ने उसमें लिखा था, प्रिय नरेंद्र, प्रदर्शनी होने में अभी अधिक दिन शेष नहीं है। एक ही सप्ताह के अंदर यदि चित्र ना आया तो ठीक ना होगा। लिखना तुम्हारी क्या प्रगति हुई है और तुम्हारा चित्र कितना बन गया है। योगेश बाबू ने चित्र चित्रित कर दिया है, मैंने देखा है, सुंदर है, परंतु मुझे तुमसे और भी अधिक अच्छे चित्र की आशा है। तुमसे अधिक प्रेम मुझे और कोई नहीं। आशीर्वाद देता हूँ तुम अपने गुरु की लाज रख सको, मनमोहन। पत्र पढ़कर नरेंद्र और भी व्याकुल हो गया। केवल एक सप्ताह शेष है और अभी तक उसके मस्तिष्क में चित्र के विषय में कोई विचार नहीं आया। खेद है, उसे अपने आत्मबल पर बहुत विश्वास था, पर उस समय वह विश्वास भी जाता जा रहा था। इसी तुच्छ शक्ति पर वह 10 व्यक्तियों में सर उठाकर फिरता था। उसने सोचा था, अमर कलाकार बन जाऊंगा, परंतु वह रे दुर्भाग्य, अपनी अयोग्यता पर नरेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। रोगी की रात जैसे आंखों में निकल जाती है, उसी तरह वह रात वैसे ही समाप्त हो गई। नरेंद्र को इसका तनिक भी पता ना हुआ। उधर वह कई दिनों से चित्रशाला में ही सोया करता था। नरेंद्र के मुख पर जागरण के चिन्ह थे। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और शीघ्रता से उसका हाथ पकड़कर बोली, अजी बच्चे को क्या हो गया है, आकर देखो तो। नरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ है? पत्नी लीला हांफते हुए बोली, शायद हैजा। इस प्रकार खड़े ना रहो, बच्चा बिल्कुल अचेत पड़ा है। बहुत ही अनमने मन से नरेंद्र शयन कक्ष में प्रविष्ट हुआ। बच्चा बिस्तर से लगा पड़ा था। पलंग के चारों ओर उस भयानक रोग के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे थे। लाल रंग दो घड़ी में पीला हो गया था। सहसा देखने से यही ज्ञात होता था जैसे बच्चा जीवित ही नहीं, केवल उसके वक्ष के समीप कोई वस्तु धक-धक कर रही है और इस क्रिया से ही जीवन के कुछ चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वह बच्चे के सिरहाने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। लीला ने कहा, इस तरह खड़े न रहो, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। माँ की आवाज सुनकर बच्चे ने आंखें खोली और बोला, माँ, ओ माँ, मेरे लाल, मेरी पूंजी, क्या कह रहा है? कहते कहते लीला ने दोनों हाथों से बच्चे को अपनी गोद से लिपटा लिया। माँ के वृक्ष पर सर रखकर बच्चा फिर पड़ा रहा।
नरेंद्र के नेत्र सजल हो गए थे। वह बच्चे की ओर देखता रहा। लीला ने उपाल में स्वर में कहा, अभी तक डॉक्टर को नहीं बुला लाए? नरेंद्र ने दबी आवाज में कहा, डॉक्टर? पति की आवाज का असंभाविक स्वर सुनकर लीला ने चकित होकर कहा, कुछ नहीं, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। अभी जाता हूँ। नरेंद्र घर से बाहर निकला, घर का द्वार बंद हुआ। लीला ने आश्चर्यचकित होकर सुना कि उसके पति ने बाहर से द्वार की जंजीर खींच ली और वह सोच रही थी, यह क्या हुआ? नरेंद्र चित्रशाला में प्रविष्ट होकर एक कुर्सी पर बैठ गया, दोनों हाथों से मुंह ठाप कर सोचने लगा। उसकी दशा देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी तीव्र आत्मिक पीड़ा से पीड़ित है। चारों ओर गहरे सूनेपन का राज था। केवल दीवार लगी हुई घड़ी कभी ना धड़कने वाले गति से टिक 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 कर रही थी और नरेंद्र के सीने के अंदर उसका हृदय मानो उसे उत्तर दे रहा था और कह रहा था, धक धक धक। संभव। उसके भयानक संकल्पों से परिचित होकर घड़ी और उसका हृदय परस्पर कानाफूसी कर रहे थे। सहसा नरेंद्र उठ खड़ा हुआ, संज्ञाहीन अवस्था में कहने लगा, क्या करूं? ऐसा आदर्श फिर ना मिलेगा, परंतु वह तो मेरा पुत्र है। वह कहते कहते रुक गया, मौन होकर सोचने लगा। सहसा मकान के अंदर से सनसनाते हुए बाण की भांति हाय की हृदय भेदक आवाज उसके कानों पे पहुंची, मेरा लाल तू कहाँ गया? जिस प्रकार चिल्ला टूट जाने से कमान सीधी हो जाती है, चिंता और व्याकुल से नरेंद्र ठीक उसी तरह सीधा खड़ा हो गया। उसके मुख पर लाली का चिन्ह भी ना था। फिर कान लगाकर उसने आवाज सुनी। वह समझ गया, बच्चा चल बसा। मन ही मन बोला, भगवान तुम साक्षी हो, मेरा कोई अपराध नहीं। इसके बाद वह अपने सिर के बालों को मुट्ठी में लेकर सोचने लगा, जैसे कुछ समय पश्चात ही मनुष्य निद्रा से चौंक कर उठा हो। उसी प्रकार चौंक कर जल्दी जल्दी मेज पर कागज से तुलिका और रंग आदि लेकर वह कमरे से बाहर निकल गया। शयन कक्ष के सामने एक खिड़की के समीप आकर वह अचकचा कर खड़ा हो गया। कुछ सुनाई देता है क्या? नहीं, सब खामोश है। उस खिड़की से कमरे का आंतरिक भाग दिखाई पड़ता था। झांक कर भय से थर थर कांपते हुए उसने देखा तो उसके सारे शरीर में कांटे से चुभ गए। बिस्तर उलट पुलट हो रहा था। पुत्र से रिक्त गोद किए माँ वहीं पड़ी तड़प रही थी और इसके अतिरिक्त माँ कमरे में पृथ्वी पर लौटते हुए बच्चे के मृत शरीर को दोनों हाथों से वक्ष स्थल के साथ चिपटाए, बाल बिखराए, नेत्र विस्फारित किए, बच्चे के निर्जीव होंठों को बार बार चूम रही थी। नरेंद्र की दोनों आंखों में किसी ने सलाखें चुभा दी हों। उसने होंठ चबाकर कठिनता से स्वयं को संभाला और इसके साथ ही कागज पर पहली रेखा खींची। उसके सामने कमरे के अंदर वही भयानक दृष्टि उपस्थित थी। संभव संसार के किसी अन्य चित्रकार ने ऐसा दृश्य सम्मुख रहकर तुल्लिका ना उठाई होगी। देखने में नरेंद्र के शरीर में कोई गति ना थी, परंतु उसके हृदय में इतनी वेदना थी उसे कौन समझ सकता था। वह तो पिता था। नरेंद्र जल्दी जल्दी चित्र बनाने लगा। जीवन भर चित्र बनाने में इतनी जल्दी उसने कभी ना की थी। उसकी उंगलियां किसी अज्ञात शक्ति से अपूर्व शक्ति प्राप्त कर चुकी थी। रूपरेखा बनाते हुए उसने सुना, बेटा ओ बेटा बात तो कर, बात तो कर, जरा एक बार तुम देख लो। नरेंद्र ने अस्फुट स्वर में कहा, उफ यह असहनीय है। और उसके हाथ से तुल्लिका छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। किंतु उसी समय तुल्लिका उठाकर वह पुनः चित्र बनाने लगा। रह रहकर लीला का क्रदन रुदन कानों में पहुंचकर हृदय को छेड़ता था और रक्त की गति मंद करता था और उसके हाथ स्थिर होकर उसकी तुल्लिका की गति को रोक देते थे। इसी प्रकार पल पल बीतने लगे। मुख्य द्वार से अंदर आने के लिए नौकरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, परंतु नरेंद्र मानो इस समय विश्व और विश्वव्यापी कोलाहल से बाहर हो रहा था। वह कुछ भी ना सुन सकता था। इस समय वह एक बार कमरे की ओर देखता और एक बार चित्र की ओर, बस रंग में तुल्लिका डुबोता और फिर कागज पर चला देता। वह तो पिता था, परंतु कमरे के अंदर पत्नी के हृदय से लिपटे हुए मृत बच्चे की याद भी वह धीरे धीरे भुलाता जा रहा था। सहसा लीला ने उसे देख लिया, दौड़ती हुई खिड़की के समीप आकर दुखित स्वर में बोली, क्या डॉक्टर को बुला लाया? जरा एक बार आकर देख तो लो, मेरा लाल जीवित है या नहीं, क्या हुआ है इसे? चित्र बना रहे हो?
चौंक कर नरेंद्र ने लीला की ओर देखा। वह लड़खड़ा कर गिर गई। बाहर से द्वार खटखटाने और बार बार चिल्लाने पर भी जब कपाट ना खुला तो रसोईया और नौकर दोनों डर गए। वे अपना काम समाप्त करके प्राय संध्या घर चले जाया करते थे और प्रातः काल काम करने आया करते थे। प्रतिदिन लीला या नरेंद्र दोनों में से कोई ना कोई द्वार खोल देता था। आज चिल्लाने और खटखटाने पर भी द्वार ना खुला। लीला की क्रुद्ध ध्वनि भी कानों में आ रही थी। उन लोगों ने मोहल्ले के कुछ व्यक्तियों को बुलाया। अंत में सबने सलाह करके द्वार तोड़ डाला। सब आश्चर्यचकित होकर मकान में घुसे। जीने से चढ़कर देखा कि दीवार का सहारा लिए दोनों हाथ जांघाओं पर रखे नरेंद्र सिर नीचा किए बैठा हुआ है। उनके पैरों की आहट से नरेंद्र ने चौंक कर मुंह उठाया। उसके नेत्र रक्त की भांति लाल थे। थोड़ी देर पश्चात वह ठहाका मार के हंसने लगा और सामने लगे चित्र की ओर उंगली दिखाकर बोला, डॉक्टर डॉक्टर मैं अमर हो गया। दिन बीतते गए। प्रदर्शनी आरंभ हो गई। प्रदर्शनी में देखने की कितनी ही वस्तुएं थी, परंतु दर्शक एक ही चित्र पर झुके पड़ते थे। चित्र छोटा सा था और अधूरा भी। नाम था अंतिम प्यार। चित्र में चित्रित किया था एक माँ बच्चे का मृत शरीर हृदय से लगाए अपने दिल के टुकड़े के चंदा से मुख को बार बार चूम रही है। शोक और चिंता में डूबी हुई माँ के मुख नेत्र और शरीर में चित्रकार की तुल्लिका ने ऐसा सूक्ष्म और दर्दनाक चित्र चित्रित किया था जो देखता उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते। चित्र की रेखाओं में इतनी अधिक सूक्ष्मता से दर्द भरा था, यह बात किसी के ध्यान में भी न आई थी। इस दर्शक समूह में कितने ही चित्रकार थे। उनमें से एक ने कहा, देखिए योगेश बाबू आप क्या कहते हैं। योगेश बाबू उस समय मौन धारण किए चित्र की ओर देख रहे थे। सहसा प्रसन्न होकर एक आंख बंद करके बोले, यदि मुझे पहले से ही ज्ञात होता तो मैं भी नरेंद्र को अपना गुरु बना लेता। दर्शकों ने धन्यवाद साधुवाद और वाह वाह की झड़ी लगा दी, परंतु किसी को भी मालूम न हुआ कि उस सज्जन पुरुष का मूल्य क्या है जिसने इस चित्र को चित्रित किया है। किस प्रकार चित्रकार ने स्वयं को धूलि में मिलाकर रक्त से इस चित्र को रंगा है, उसकी यह दशा किसी को भी ज्ञात न हो सकी। धन्यवाद।